हाउडी फिजिक्स लवर्स, एनसीईआरटी एग्जांपल नंबर 10.4। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर गिवन है। पॉजिटिव इसलिए क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है, और उसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक ऑब्जेक्ट हमने प्लेस किया, और उस ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी पॉजिटिव कंसिडर करेंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है आपने प्लेस किया अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस इज 15 सेंटीमीटर। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज 15 सेंटीमीटर। ये नेगेटिव हमने क्यों लिया, उसका रीजन समझिए। देखिए, ये आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस है एंड दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। हियर इज द ऑब्जेक्ट एंड इट इज द फोकस पॉइंट। अभी जो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है वो आपको गिवन है 2 सेंटीमीटर। ओके, एंड इंसिडेंट रे विल गो इन दिस डायरेक्शन अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बट जब आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मेजर करना होगा, सो यू हैव टू मेजर ऑल द डिस्टेंसेज फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। नाउ सी से जब आप ऑब्जेक्ट की तरफ जाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर से जब आप ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन में जाएंगे, तो ये डायरेक्शन आपके इंसिडेंट रे के डायरेक्शन के अपोजिट है। और ऐसे केस में जहां पर इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और जो आप मेजरमेंट कर रहे हैं सी से ओ तक का डिस्टेंस, ये डायरेक्शन जब अपोजिट होगी तो आपने यहां पर नेगेटिव साइन कंसिडर करना है। नाउ फाइंड द नेचर, पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। हमें इस क्वेश्चन में नेचर ऑफ द इमेज, पोजिशन ऑफ द इमेज एंड साइज ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है। ऑल्सो फाइंड इट्स मैग्निफिकेशन और लीनियर मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करनी है। तो हम इजिली कर सकते हैं, ये आपका एक कॉन्वेक्स लेंस है तो हम यहाँ पर यूज करेंगे लेंस फॉर्मूला। नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, नाउ लेंस फॉर्मूला इज 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो वी हैव टू कैलकुलेट वी। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे। 1/v इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। नाउ पुट द वैल्यूज। फोकल लेंथ आपको गिवन है 10 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपको गिवन है माइनस 15 सेंटीमीटर। सो देखिए, 1/10 सेंटीमीटर प्लस 1/-15 सेंटीमीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर लेना होगा एलसीएम। 15 और 10 का जो एलसीएम है दैट विल बी 30। नाउ 30 जो है 10 के टेबल में 3 पे आता है, 3 वन ज़ा 3 प्लस माइनस माइनस 15, 2 ज़ा 30, 2 वन ज़ा 2। सो 3 माइनस 2 इज 1, 1/30। सो 1/v इज 1/30। सो वैल्यू ऑफ वी, इमेज डिस्टेंस जो आया दैट इज 30 सेंटीमीटर। सो दिस इज द इमेज डिस्टेंस। लेकिन हमें जो है इसमें मैग्निफिकेशन भी कैलकुलेट करना है, हाइट ऑफ द इमेज भी कैलकुलेट करनी है और नेचर भी कैलकुलेट करना है। नाउ वी कैलकुलेट लीनियर मैग्निफिकेशन। सो एम विल बी इक्वल टू वी अपॉन यू इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। नाउ वी की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 30 सेंटीमीटर। सो इट इज 30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमें गिवन है -15। सो इसको सॉल्व करेंगे एंड वी ऑब्टेन लीनियर मैग्निफिकेशन, एम इज इक्वल टू -2। अब आपका जो मैग्निफिकेशन है वो है -2। इट मीन्स कि आपका जो यहाँ पर इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी रियल एंड इन्वर्टेड। सो नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। पोजिशन हमने कैलकुलेट कर ली, नेचर ऑफ इमेज भी हमने फाइंड आउट कर लिया और मैग्निफिकेशन भी हमने कैलकुलेट की। सो यहाँ पर अब देखिए, इसको भी यूज कर सकते हैं आप। एम इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन है आपकी -2। हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें 2 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज हमें कैलकुलेट करनी है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दी हुई है। तो हाइट ऑफ इमेज जो है वो आ गई -4 सेंटीमीटर। इट मीन्स जो आपकी इमेज फॉर्म होगी दैट विल बी एनलार्ज, डबल हो रही है ना, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर है
और हाइट ऑफ इमेज 4 सेंटीमीटर है, सो इट मींस हाइट ऑफ इमेज इज 2 टाइम्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। वैसे भी हमें लीनियर मैग्निफिकेशन देख के पता चल रहा था कि इमेज जो है वो आपकी डबल इन साइज हो जाएगी, तो इमेज विल बी मैग्निफाइड। ओके, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एग्जांपल नंबर 10.4। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर नहीं हुआ, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखे हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और फिजिक्स लव चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। इसके बाद मैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज लेके आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।